देखिए हमारे यहाँ आज शादी है हमारे यहाँ बेटे के, और देखिए हम लोग भात लेके जो हमारे भाई लोग आए हुए हैं, हमारे जेठानी के भाई भात लेके आए हैं और हम जा रहे हैं लेने के लिए। देखिए कैसे बनाते हैं भात, भात लेके आए हुए हैं। देखिए YouTube फैमिली, अब भतैया लोग आए हैं और हम लोग जा रहे हैं भतैया लोगों को घर तक लाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं भतैया लोगों को घर लाने के लिए। अब भतैया लोग घर पे आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे और शाम को जो है मंडप के नीचे जो है जोड़े पहनाए जाएंगे। ये मेरी जेठानी के भाई भाभी लोग आए हैं शाहजहाँपुर से भात लेके, और ये देखिए यहाँ पर उनके मामा जी संध्या के। ये रस्म होती है पानी से नहलाने की। वाह क्या सीन है। और ये देखिए मामा जी ने कलश के पानी से नहला दिया, और अब मैं और ये मैं जा रही हूँ दुल्हन को तैयार कराने ब्यूटी पार्लर। देखिए हम तैयार होके आ गए हैं पार्लर से, पहली बार गए थे और हम जा रहे हैं भात पहनने, भाई लोग भात लेके। और अब यहाँ पर भात पहनाने की रस्म हो रही है जो कि मेरे जेठानी के भाई भाभी लाए हैं। तो ये लोग मेरी जिठानी जेठ जी पहले पहन चुके थे, चूँकि मैं गई थी बिटिया को पार्लर लेके, तो मैं अब आई हूँ तो हम लोग का जोड़ा जो है हम लोग को अब पहनाया जा रहा है। तो ये मेरी जिठानी जी की छोटी भाई भाभी हैं जो कि पहना रहे हैं, हम लोग एक दूसरे पे पैसों की न्यौछार कर रहे हैं। और ये देखिए वीडियो कैसेट वाले बीच बीच में घुस रहे हैं कि बता रहे हैं ऐसे पोज दो वैसे पोज दो। और देखिए कितनी तेज़ गर्मी हो रही है, मैं पसीने में बहुत ही ज़्यादा नहाई हुई सी हूँ, बहुत परेशान हूँ। देखिए यहाँ पर ये भात की रस्म हो रही है, तब तक हम लोग को जोड़ा पहनाया जा रहा है। तब तक आप लोग देखते देखते मेरे वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मेरी मजली जिठानी के बड़े भाई भाभी भी हम लोग के लिए जोड़ा लेके आए हैं, तो अब हम लोग उनसे भी भात यानी कि जोड़ा पहन रहे हैं। और ये बहुत ही अहम रस्म होती है हम लोग यहाँ, क्योंकि मंडप के नीचे जो है जोड़ा पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है जो कि मायके की तरफ से आता है। पर ये देखिए आज गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है, और अभी आप लोग को हम दिखाएँगे अपने घर की बारात, क्योंकि बराती बाहर आ चुके हैं। और जब बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली होती है तभी ये भात की रस्म होती है। ये देखिए खूब हमारी बिटिया को पैसे मिल रहे हैं, उसकी थाली में उसकी थाली भर गई है, पैसा ही पैसा हो गया। सजावट पंडाल की है ना, लाइक जरूर करिएगा। और ये देखिए हमारे हस्बैंड जी खड़े हैं बारात का स्वागत करने के लिए, ये हैं भैया जी। और यहाँ पर बाराती अपने पूरे जोर शोर के साथ डांस करते हुए, और ये दूल्हे राजा पसीना पूछ रहे हैं, इनको भी गर्मी लग रही है। यहाँ पर हो रहा है समधोर। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। देखिए यहाँ पर द्वारचार की रस्म होने जा रही है, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, दूल्हे राजा आ चुके हैं, यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हैं। ये देखिए दूल्हे राजा आ रहे हैं, और जो है यहाँ पर अब होगी द्वारचार की रस्म, और द्वारचार पर जो है दूल्हे राजा को घड़ी गिफ्ट में दी जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर दूल्हे राजा आ चुके हैं, और ये द्वारचार हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग जो हैं बड़े मजे से खड़े हैं दूल्हे राजा को देखने के लिए। और देखिए यहाँ पर पान खिलाया गया है और उनको घड़ी पहनाई जा रही है, और सभी लोग बहुत पसीने से। अंकल अंकल आपका फोटो खिंच गया। म्यूजिक। और देखिए यहाँ पर दूल्हे राजा जी की आरती हो रही है, तो चलिए अब चलते हैं जहाँ पर बारात का खाना पीना हो रहा है। और यहाँ पर अभी जयमाला भी पड़ेगा, ये देखिए सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जयमाला जल्दी से शुरू हो जाए।
देखिए अब ये है मेरी संध्या और मैं संध्या को लेके जाऊंगी शक्ति से मिलाने के लिए। और ये चली संध्या शक्ति से मिलने के लिए। और देखिए इन दोनों को मिलाने में हमारे पूरे दोनों परिवारों का कितना बड़ा हाथ है। और ये देखिए ये चुनरी के नीचे से संध्या जाएंगी चुनरी की छाया में और सारे भाई लोग जो हैं वो जो है इनको ले कर जा रहे हैं चुनरी के नीचे नीचे। बिटिया जरा धीरे धीरे चलना, नीचे जो है कहीं पत्थर वत्थर लग जाए तो आप लहंगे में फंस जाओगी। ये मैं भी अपने काम में लग गई हूँ, मुझे फूलों की थाली पकड़ा दी गई है और मैं ये फूल लिए खड़ी हूँ अपना पसीना पोंछ रही हूँ। और ये चली बिटिया रानी अपने दूल्हे जी को जयमाला पहनाने के लिए। मम्मी जी को देखिए इनकी शान तो आज देखते ही बन रही है, पर्स में शायद बड़ा माल है इसमें। और जो है ये देखिए सभी लोग बहुत खुश हैं और सभी लोग जो है देख रहे हैं संध्या का बदला हुआ रूप, क्योंकि अभी तक हम लोग उसको एक सिंपल से रूप में देखते थे और आज वो दुल्हन बनी हुई है तो देखने में भी अच्छी लग रही है, नज़र ना लगे। और ये देखिए दुल्हन की बहनें जो हैं उनको देखते ही बन रहा है। ये दोनों कहाँ थे, ये वीडियो कैसेट वाले देखिए अब आए, शायद खाना खा रहे होंगे, बेचारे भूखे थे। और जो है ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि किधर से चल के आना है और कहाँ जाना है तुम्हें स्टेज पे चढ़ के। तो ये देखिए यहाँ पर सभी लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं। और ये तैयार है दुल्हन हमारी जो कि ये चुनरी के नीचे चुनरी की छाँव में चलेगी धीरे धीरे कदमों को रखते हुए अपने दूल्हे राजा से मिलने के लिए एक नए सफ़र पर। और ये देखिए यहाँ पर मेरी संध्या को खड़ा किया गया है और अब ये देखिए तैयारी हो रही है। और ये चली दुल्हन झिलमिल सितारों की छैया में अपने सैया के गले में जयमाला डालने के लिए। सब लोग जा रहे हैं उसी के साथ में लगे हुए हैं और लोग देख रहे हैं। और ये चली दुल्हन धीरे धीरे कदमों को उठाते हुए, वो सोच में पड़ी हुई है कि कैसे क्या होगा, कैसे वहाँ तक पहुँचूँगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग देखने लगते हैं दुल्हन को। और आखिर में दुल्हन पहुँच ही गई। और ये यहाँ पर स्टेज जो है जयमाला वाला जो है ऊंचे पर बनाया गया है, जो वो घूमने वाला होता है, बड़ा ही ख़तरनाक स्टेज ये मुझे लगता है। वैसे सभी को बहुत पसंद आता है लेकिन मेरा अपना नज़रिया है। ये देखिए हमारे जमाई जी ऊपर चढ़ रहे हैं और ये देखिए अब पड़ेगा जयमाला जिसका कि सभी को इंतज़ार होता है। यहाँ पर ये देखिए जब हम किसी को पूरे दिल से चाहते हैं तो ये सारी कायनात हमें उससे मिलाने में पूरी शिद्दत से लग जाती है। कैसा लगा मेरा डायलॉग, ये शाहरुख खान सर का डायलॉग है जो कि मुझे यहाँ पर याद आ गया तो मैंने बोल दिया। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसको किसको शाहरुख खान सर बहुत पसंद है और ये डायलॉग भी पसंद है। तो ये देखिए ये सच है कि जो है किसी की चाहत मन में रखो तो वो आखिर एक दिन मिल है। और ये देखिए सलामत रहे इनकी जोड़ी हमेशा। और ये देखिए शादी का एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है जयमाला, जो कि हमारे पुराने समय में भी होती थी, राम सीता जी के समय में भी होती थी। तो अब पढ़ने जा रही है जयमाला और ये दोनों लोग यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं, फ़ोटो शूट हो रहा है। ये देखिए डाल दिया संध्या ने जयमाला और जमाई जी ने भी डाल दिया संध्या के गले में जयमाला। और यहाँ पर देखिए सभी लोग तालियां बजाने लगे, खुश हो गए। और लीजिए हो गया आधा शुभ विवाह। और यहाँ पर ये देखिए घूमने वाला जो है स्टेज बना हुआ है जिस पे जो मर तो नहीं रह सकती। यहाँ पर देखिए बड़े भैया और छोटे भैया दोनों ही फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए, एक ने जूते पहन रखे एक ने चप्पल। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ पहुँच गई दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।